ज़िला प्रयागराज में ऑपरेशन चक्रव्यूह नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ज़िला प्रयागराज के अंदर और बॉर्डर पर बाउंड्री पर कुल मिलाकर 96 संवेदनशील पॉइंट्स को चिन्हित किया गया है, जिसमें तिराहे चौराहे टी पॉइंट्स शामिल हैं, जहां पर आपराधिक गतिविधियां हुई हैं या हो सकती हैं, ऐसे बिंदुओं को चिन्हित किया गया है। इन 96 पॉइंट्स पर हमारे आदेश के बाद 7 मिनट्स के अंदर पुलिस फोर्स बैरियर और डिप्लॉयमेंट के साथ खड़ी हो जाती है, पूरी तरह सुसज्जित और अलर्ट, और जो भी आदेश मिलता है, जो भी क्रिमिनल्स के पकड़ने के लिए या कोई संदिग्ध वाहन या व्यक्ति कोई जा रहा है उसको पकड़ने के लिए जो आदेश मिलता है, तो 7 मिनट के अंदर ये पूरा चक्रव्यूह एक्शन में आ जाता है और जो भी गतिविधियाँ होती हैं उस पर लगाम लगाई जा सकती हैं। साथ ही साथ चेकिंग का अभियान भी चलता है और आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई इसमें की जाती है। जो भी नई उम्र के लड़के या क्रिमिनल्स तमंचा, अवैध पिस्टल, बम, गोला बारूद लेके चलते हैं, उनको पकड़ने का यह अभियान है और उनको पकड़ने के बाद आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें ये निर्देश दिया जाता है कि किसी भी बच्चे को, किसी भी महिला को, किसी बुज़ुर्ग आदमी को परेशान ना किया जाए, बल्कि क्राइम की रोकथाम के लिए केवल चेकिंग की जाए, ऐसा आदेश मेरे द्वारा दिया जाता है। सभी लोग इस पर कड़ाई से पालन करते हैं। यह अभियान 29 मार्च 2022 से चलाया गया है, ये आगे भी जारी रहेगा ताकि आम जनता को, आम जनमानस को सहूलियत मिले और जनपद प्रयागराज को गुंडा मवाली तत्वों से, आपराधिक तत्वों से खाली कराया जा सके।